सुप्रीमो सह कोडरमा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी जन समर्थन हासिल करने के मुहिम में जुट गए हैं। बुधवार को बाबूलाल मरांडी बेंगाबाद पहुंचे। इस दौरान वे मुखिया मोहम्मद शमीम के आवास भी गए और सभी लोगों से समर्थन मांगा। वहीं महागठबंधन दल के कांग्रेस जेवीएम समेत अन्य दलों के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और इस चुनाव में बड़े मार्जिन से जिताने का भरोसा दिलवाया। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं को पूरी मेहनत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी जीत क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता की जीत होगी। अब उस दिन से भारतीय जनता पार्टी की हालत तो सोच नहीं कर पा रहे करें क्या। तो इसलिए आप सबने देखा कि पहले तो हमारी दल से दो लोगों को थोड़ा उससे भी लगा कि हमारा काम बन नहीं रहा है, तो राष्ट्रीय जनता दल को थोड़ा अब उससे भी लग रहा है उसका काम नहीं बन रहा है। करे तो करे क्या करे, ये अभी उधेड़ बोर्ड में फंसा हुआ है। जैसे वो जितना बोल रहे थे हम सही से कर रहे हैं, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, जनता हमारे साथ है, हमने बहुत काम किया है, ये उनकी पूरी तरह से कलाई खुल गई है कि उन्होंने कितना काम किया, उनकी क्या हालत है। चुनाव के मैदान में जाने के पहले भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, मैं ये कह सकता हूँ। और इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी 14-0 से वो आउट हुआ। यूपी के खाते में 14 सीट जाएगी, बीजेपी के खाते में 0 जाएगा। यही स्थिति को क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जिस प्रकार से देश की जनता के सामने वादा किया था, नौजवानों को कहा था कि भाई 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक साल रोजगार मिले, आज नौजवान उसे पूछ रहा है कि आपने इन 5 वर्षों में कितनी नौजवानों को रोजगार दिया। मोदी जी के पास इसका कोई उत्तर नहीं। किसानों से उन्होंने कहा था कि भाई हमें प्रधानमंत्री बनाना तो किसानों को खेती में लागत का 1.5 गुना दाम मिलेगा, और उन्होंने कहा था कि भाई आय भी किसानों की 2 गुनी हो। अब कितनी आय उनकी हुई, 1.5 गुना दाम अभी तक कितना मिला है, या वो बताने से चूक कराए। उन्होंने खुद कहा था कि हमें देश के प्रधानमंत्री बना देना कि विदेश की बैंकों में जो काला धन है वो आएगा, हर देशवासियों के खाते में 15 से 20 लाख रुपया डालेंगे। अब 5 साल हो गए, अब देश की जनता उनसे जानना चाह रही है कि भाई आपने जो उस समय वादा किया था, आपने कितनी काला धन इस 5 वर्षों में आपने लाया विदेश की बैंकों से, और वो काला धन किसका पैसा था, और उन लोगों के ऊपर आपने क्या कार्रवाई की। उन्होंने खुद कहा था कि महंगाई को कम कर देंगे। अब सब्जी का कीमत बढ़ गई, पेट्रोल डीजल करासन तेल गैस और बाकी जितनी भी चीजें हैं सब में वो कीमतें बढ़ गई। अब देश की जनता वो भी उनसे सवाल कर रही। देखिए, ये महागठबंधन के कैंडिडेट हैं कोडरमा से लोकसभा के, बाबूलाल जी पुराने नेता हैं, माननीय पूर्व में मुख्यमंत्री मंत्री रहे झारखंड, और इनका एक अलग विचार अलग सोच है, और गठबंधन के तहत ये कैंडिडेट हैं। तो हम लोग पूरे जितने गठबंधन में जो जो आते हैं कांग्रेस पार्टी और जितने भी पार्टी आते हैं सब इनके साथ हैं, और ये सीट हम लोग कोडरमा निकालेंगे और ये जीत हम लोग को पक्की होगी। बेगाबाद थाना क्षेत्र के रखाटाड़ जंगल में पेड़ में लटकी